हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि कुकिंग धमाका। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज दिवाली है, तो दिवाली के इस शुभ अवसर पर आज हम मनाने वाले हैं दिवाली की स्पेशल थाली। और हाँ गाइस, मेरे तरफ से आपको और आपके फैमिली को शुभ दीपावली। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने का बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और इसे बनाने का मेथड क्या है। बट इससे पहले मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि दिवाली के इस स्पेशल थाली में हम बनाना सीखने वाले हैं मोहन थाल, जीरा आलू की सब्जी और अजवाइन पूरी। तो चलिए देख लेते हैं कि इससे बनाने का मेथड क्या है। तो चलिए गाइस, पहले बना लेते हैं मोहन थाल। तो मोहन थाल बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है रोस्टेड कैसू नट, बेसन, पाउडर्ड शुगर, अमूल पाउडर और अमूल मिल्क पाउडर है, प्योर घी और रोस्टेड पीनट्स। और शुगर सिरप बनाने के लिए हमने यहाँ पे वाटर का भी यूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का मेथड क्या है। पहले आपको एक कढ़ाई गरम कर लेनी है और इसमें ऐड कर देना है घी। घी हमने ऐड कर दिया है और ये गरम भी हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन ऐड करने के बाद हम इसे घी के साथ मिक्स कर लेंगे। बेसन को आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और जब ये बेसन रोस्ट हो जाए तब आप इसमें ऐड कीजिएगा मिल्क पाउडर, अमूल मिल्क पाउडर। हमारा बेसन रोस्ट हो गया तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने मिल्क पाउडर और बेसन के मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लिया है। जब आप अगर आप इसे छन्नी से छानना चाहते हैं तो आप इसे मिल्क पाउडर के बिना ही छानिएगा, बिकॉज़ अगर आप इसे छन्नी से छानेंगे मिल्क पाउडर देने के बाद तो ये अच्छे से नहीं छानेगा। तो इसे अच्छे से स्मूथ बनाने के लिए, बिल्कुल इसका अच्छा मिक्सचर लाने के लिए हम इसे हाथ से मसल देंगे। आपको बेसन और मिल्क पाउडर का एक बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर बना लें। इसका और अच्छा मिक्सचर बनाने के लिए आप मिल्क पाउडर की जगह मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। 2 टेबल स्पून मिल्क का आप यूज़ कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं आगे का मेथड। अब हम उसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे वाटर। वाटर गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर्ड शुगर। हमारा शुगर सिरप भी बनकर रेडी हो चुका है। अब ऐड करेंगे हम इसमें बेसन। शुगर सिरप के साथ हम बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इसमें लम्स ना पड़े। आपको इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। हमारा बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है शुगर सिरप के साथ और इस पर लम्स भी नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से बन चुका है। तो अब हम इसे एक और प्लेट में निकाल लेंगे। आपको इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेना है और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डेकोरेट कर देना है। मोहन थाल तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी को। तो अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है जीरा आलू की सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो जीरा आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ले लिया है रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, करी लीव्स, ग्रीन चिली, टर्मेरिक पाउडर, पीनट्स, सॉल्ट थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट सॉल्ट लिया है, फिर यहाँ पे ले लिया है जिंजर, टमाटो, जीरा और ऑयल, और यहाँ पे ले लिया है बॉइल्ड पोटैटोस। पहले हमने पोटैटो को पीसेस में कट किया, फिर इसे बॉईल करके इस बाउल में निकाल लिया। तो अब देख लेते हैं इसे बनाने का मेथड क्या है। पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म कर ली है और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे ऑयल। कढ़ाई गर्म हो गया है इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, अब ऐड करेंगे करी पत्ता, अब ऐड करेंगे ग्रीन चिली। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे टमाटो, अब ऐड करेंगे सॉल्ट, अब टर्मेरिक पाउडर, अब रेड चिली पाउडर, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो, अब ऐड करेंगे गरम मसाला, पीनट्स ऐड करेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। हमारी जीरा आलू की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी।
तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी अजवाइन पूरी। तो इसे बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिया है ऑयल, अजवाइन, जीरा, सॉल्ट और आटा और वाटर हमने यहाँ पे आटा का डो बनाने के लिए यूज़ किया है। तो पहले हम आटा का डो बना लेते हैं। इसके लिए आपको पहले अजवाइन को थोड़ा सा मसल के डालना होगा। ऐड कर लिया हमने यहाँ पे अजवाइन। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे काला जीरा। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब ऐड करेंगे वाटर। अब इन सबको मिक्स करके इनका डो बना लेंगे। टडा, हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका लोई बना लेंगे। हमने यहाँ पे लोई बना के रेडी कर लिया है। तो अब हम इसका पूरी बना लेंगे। तो अब लोई को पूरी का शेप देने के लिए पहले हम काउंटर फ्लोर पे आटा स्प्रिंकल करेंगे। आटा स्प्रिंकल हमने कर लिया है। तो अब हम लोई को पूरी का शेप दे देंगे। ऐसे ही आपको बाकी की पूरी भी बना लेनी है। अब देख सकते हैं मैंने सारी पूरी बना ली है। तो अब हम इसे तल लेते हैं। तो पूरी तलने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम अपना पूरी तलना स्टार्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको पूरी तल लेनी है। पूरी का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने तो गैस पूरी अभी तल ली है और यहाँ पे मैंने दिवाली की थाली, स्पेशल थाली भी डेकोरेट कर ली है। तो ये थी हमारी दिवाली की स्पेशल थाली बनाने की रेसिपी, जहाँ हमने सीखा कि कैसे बनाते हैं मोहन थाल, जीरा आलू की सब्जी और अजवाइन पूरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे सारे नए अपलोड्स क्विकली मिल सके। Thanks for watching guys and happy Diwali guys!